हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार इस हमारी गीत की सीरीज में। तो अब तक के वीडियोस में हमने बहुत कुछ किया था, मतलब हमने अभी तक गीत इंस्टॉल करने से लेकर उसमें गीत इग्नोर तक, मतलब फाइल का हम स्टेटस देख रहे थे, उसको कमिट करने कैसे करना है, क्या नाम देना है, इसी की उसी तरह ठीक उसी तरह हमने देखा था कि स्टेजिंग एरिया क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं उसी के साथ। अब इस बार हम और नए कमांड्स देखेंगे। तो अभी पिछली वीडियो में हमने देखा कि फिर क्या किया था हमने, इस ऑल एक लॉग वाली फाइल बनाई थी और उसमें उसको गिट इग्नोर में डाल के उन सब लॉग फाइल्स को इग्नोर किया था, राइट। उसी तरह हमने इस एक स्टैटिक फोल्डर को भी इग्नोर किया था और इस माया फोल्डर को भी इग्नोर किया था, ठीक है। तो मैंने अपना गिट बैश खोल दिया है और उसके साथ में सबसे पहली कमांड क्या होती है, जब हम गिट बैश खोलते हैं तो हमें चेक करना होता है स्टेटस, गिट स्टेटस। तो मैं चेक करूंगा गिट स्टेटस, तो मैं मास्टर ब्रांच पे हूँ, नथिंग टू कमिट, मतलब मेरा कोई चेंज अभी नया नहीं है और मेरा वर्किंग ट्री एकदम क्लीन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब नई चीज़ की क्या क्या होता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरे पास क्या है, मेरे पास एक टेक्स्ट फाइल है, मतलब डॉक्यूमेंट्स डॉक्स फाइल है, मैं उसका नाम अब यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ठीक है। मैं जो फाइल का नाम है अभी क्या है, अभी है रीडमी, तो रीडमी की जगह हम उसे करेंगे से डॉक्यूमेंटेशन, उसका नाम लगते हैं डॉक्यूमेंटेशन, ऐसा नाम मैंने उसका दे दिया है। तो मैंने फिर क्या किया, तो हमारा पहले जब स्टेटस चेक किया था तो हमारा वर्किंग ट्री एकदम क्लीन था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम फिर से स्टेटस चेक करेंगे गिट स्टेटस। तब अब देखो, अब वो क्या दे रहा है वो देखिए, वो बता रहा है कि चेंजेस नॉट स्टेज फॉर कमिट। तो आपने क्या किया है, रीडमी को डिलीट कर दिया है और एक नई फाइल बना दी है डॉक्यूमेंटेशन नाम के, बल्कि हमने क्या किया है, हमने सिर्फ उस टेक्स्ट फाइल का मत लिया जो डॉट डॉक्स फाइल थी हमारी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉक्यूमेंट वाली, तो उसका सिर्फ नाम चेंज किया है, लेकिन हमारा गिट बैश हमें क्या बता रहा है कि आपने एक फाइल डिलीट की है और दूसरे नई डॉक्यूमेंटेशन नाम की फाइल तैयार की है, ठीक है। गिट बैश होगा या गिट होगा उसके लिए तो हमने फाइल उस नाम की जो अब रेडमी नाम की फाइल नहीं है, इसलिए वो बोल रहा होगा कि डिलीट है, डिलीट की है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम करेंगे इस जो नई डॉक्यूमेंटेशन डॉट डॉक्स है उसको हम ले जाएंगे स्टेजिंग एरिया में, मतलब उसको हम करेंगे ऐड। तो हम कमांड चलाएंगे गिट ऐड ऑल, जो भी कुछ नया है, मतलब ये दोनों, एक डिलीट वाला और ऐड वाला, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने ऐड कमांड चलाई, फिर से मैं चलाऊंगा गिट स्टेटस। अब देखो, अब वो क्या बोल रहा है कि आपने रीडमी डॉट डॉक्स को डॉक्यूमेंटेशन डॉट डॉक्स को रीनेम किया है, राइट। पहले क्या बोल रहा था, आपने इसे डिलीट किया है और इसको नया फाइल बनाया है, लेकिन अब वो बोल रहा है कि आपको इस रीडमी को रीनेम किया है डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है। मतलब जब आपने उस फाइल को स्टेजिंग एरिया में आप लेके गए, तब उसने इन दोनों फाइल्स को कंपेयर किया और कंपेयर करने के बाद उसे पता चला कि आपने फाइल डिलीट नहीं की है, आपने फाइल रीनेम की है, ओके। तो चलते हैं, इस रीनेम को हम कमिट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या कमांड होता है हमारा, गिट कमिट माइनस एम, और आपका उसको कमेंट लिखना होता है कि क्या चेंज किया है या फिर क्या कमिट किया है। तो हमने क्या किया है यहाँ पे, रीनेम डॉट डॉक्स, एंटर, ओके। तो हमारा ये नया कमिट बन गया। हम फिर से अब क्या चेक करेंगे, हम अब चेक यहाँ पे चेक करेंगे गिट स्टेटस, जो हर बार हम करते हैं, ठीक है। गिट स्टेटस STS, ठीक है। अब वो फिर से बोल रहा है कि हमारा वर्किंग ट्री क्लीन है। अब देखो, जब हम मैन्युअली रीनेम करते हैं तब क्या हो रहा है कि वो पहले बोलता है आपका नया डिलीट किया है आपका डॉक्यूमेंट और ये नया फाइल बन गया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि गिट बैश से या गिट का इस्तेमाल करके हम फाइल को कैसे रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। फाइल हमें रीनेम करनी, मुझे अब
रीनेम करनी है। समझो मैंने जो ये डॉक्यूमेंटेशन डॉट डॉक्स किया था, मैं उसको फिर से चेंज कर रहा हूँ कि मतलब फिर से हम उसे बनाएंगे। हमें पता चल गया है कि हमने ये गलत फाइल को रीनेम किया है, ठीक है, हम उसे फिर से बनाएंगे रीडमी। मतलब पहले था एकदम प्लेन रीडमी, हम यहाँ पे डालेंगे रीड अंडरस्कोर मी, ठीक है। तो फाइल रीनेम करने के लिए हमारे पास कमांड है git mv, और आपको डालना पड़ेगा करंट फाइल नेम। करंट फाइल नेम क्या है आपका? डॉक्यूमेंटेशन, और उसका एक्सटेंशन, और उसके बाद डालना पड़ेगा नया फाइल नेम, न्यू फाइल नेम। न्यू फाइल नेम हमारा क्या है? रीड अंडरस्कोर मी, ठीक है, डॉट डॉक्स, एंटर। और अब जब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, मैं फिर से चल चेक करते हैं हम गिट स्टेटस। अब देखो, अब चेंज क्या हुआ है, जब हमने पहली बार मैन्युअली किया था, यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे मैन्युअली नाम चेंज किया था, तब उसने हमें क्या किया था, हम उसने बोला था कि एक आपने ये फाइल डिलीट की है और इस फाइल की नाम की नई फाइल क्रिएट की है जो कि अनट्रैक्ड है, और उसके बाद हमें कमांड चलाना पड़ा था गिट एड, क्योंकि हम उसको स्टेजिंग एरिया में ले जाना चाहते थे, मतलब इस रेड को हम ग्रीन बनाना चाहते थे, ठीक है। लेकिन जब हमने गिट का इस्तेमाल करके रीनेम किया, यहाँ पे इस कमांड में हमने क्या किया है कि हमने गिट का इस्तेमाल करके डॉक्यूमेंटेशन डॉट डॉक्स को रीडमी डॉट डॉक्स बनाया है, तब उसने देखो, तब उसने ऐसा नहीं बोला कि आपने ये फाइल डिलीट की है और ये नई बनाई है। उसने क्या किया, उसने डायरेक्ट आपकी जो फाइल है उसको स्टेजिंग एरिया में लेके गया हो, ठीक है। तो इस तरह से आप गिट का इस्तेमाल करके आपका काम भी बचा सकते हैं और आगे वाला कन्फ्यूजन भी बचा सकते हैं, राइट। अगर आप मैन्युअली यहाँ पे नाम चेंज कर देते हो, रीनेम कर देते हो, तो वो भी चलेगा, लेकिन आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, वो आपको दिखाएगा आपने ये चेंज किया, आपने ये नई फाइल बनाई, तो आपको फिर से ऐड करना पड़ेगा, फिर से स्टेटस चेक करो और फिर से कमिट करो, ये पूरी प्रोसीजर आपको रिपीट करनी पड़ेगी। ठीक वही काम आप रीनेम का काम आप जब आप गिट से करते हो, मतलब आपका जो कमांड है गिट एम वी ओल्ड फाइल नेम एंड न्यू फाइल नेम, तब क्या होगा, तब वो आपको रीनेम करके देगा और उसी के साथ साथ उन फाइलों को वो स्टेजिंग एरिया में ले जाके खड़ा करेगा, ठीक है। मतलब आपका जो ये वाला काम होगा, या फिर अभी तो हमारा एकदम सिंपल डायरेक्टरी, मतलब सिंपल स्ट्रक्चर है, अगर ये स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड होगा तो आपको उस अंदर के फोल्डर में जाओ, उसके अंदर के फोल्डर में जाओ, फाइल नेम चेंज करो, ये सारा काम आपका बच जाएगा यहाँ पे, और उसी के साथ साथ आपकी फाइल ऑलरेडी स्टेजिंग एरिया में आके सेव हो जाएगी, ओके। तो उसके बाद आपके लिए सिर्फ क्या काम बचता है, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ करना है कमिट। सो गिट लेट्स कमिट इट, सो गिट कमिट माइनस एम या डैश एम, उसके बाद हमने क्या किया है, हमने कमिट किया है, रीनेम किया है, लेकिन रीनेम से यूजिंग git, एंटर। तो अब कमिट हो गया, फिर से हम चेक करेंगे git स्टेटस, तो अब हमारा वर्किंग ट्री एकदम क्लीन हो जाएगा। तो ये था हमारा सबसे अब इस वीडियो का पहला फंक्शन, कि जिसका नाम क्या है, मतलब जो है कि mv, git mv, मतलब आप जिसका इस्तेमाल करके आप फाइल का नाम चेंज कर सकते हो या फाइल रीनेम कर सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है, अब मुझे सपोज मेरी जो फाइल है, सपोज मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाता हूँ, ठीक है, हम गिट्स का इस्तेमाल करके नई फाइल बनाएंगे। सो मैं बनाऊँगा टच न्यू डॉट टी एक्स टी, ओके। तो इस न्यू डॉट टी एक्स टी नाम की एक नई फाइल मैंने बनाई जो यहाँ पे तैयार हो गई, ठीक है, यहाँ पे ये पहले फाइल नहीं थी, अब ये नई फाइल ऐड हो गई, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब फिर से मुझे गिट स्टेटस चेक करना पड़ेगा, तभी आपको बोलेगा कि फिर से आप बोलेगा कि आपने ये अनट्रैक्ड फाइल नई फाइल बनाई है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमें वही प्रोसीजर दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी, कौन सी, गिट ऐड ऑल
और उसके बाद हम चलाएंगे git commit dash m new txt file, enter। और ये सब करने के बाद फिर से हम चेक करेंगे git status, तब अब हमारा वर्किंग ट्री क्लीन। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना था, हमें चेक करना था कि इस फाइल को मुझे डिलीट करना है। ठीक है, तो डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल फाइल क्लिक करो, डिलीट प्रेस करो। ओके, तो आपकी फाइल डिलीट हो गई। ओके, तो यहाँ पे आके मैं फिर से चेक करता हूँ, मतलब चेक करूँगा git status, तब वो बोल रहा है कि आपने new.txt डिलीट किया, जो कि हमने एक्चुअल में डिलीट किए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये तो हुआ मैनुअल तरीका, मतलब जो ये एक नॉर्मल मेथड हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ तो वो फाइल फिर से यहाँ पे आ जाएगी। अब देखो, अब मैं चलाता हूँ फिर से git status, तब क्या दिखना चाहिए, आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पे अब क्या दिखना चाहिए अगर मैं चलाऊंगा git status। मैंने क्या किया, पहले फाइल डिलीट की, उसके बाद git status चेक किया, यहाँ पे git status चेक किया तो उसने बोल दिया कि आपने इस फाइल को डिलीट किया है। उसके बाद मैंने कंट्रोल जेड से वो फाइल यहाँ पे फिर से लाई और अब मुझे git status चेक करना है, तब मुझे क्या स्टेटस आएगा, देखो क्या बोल रहा है वो, ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट वर्किंग ट्री क्लीन बोल रहा है वो मुझे। अब ये नहीं बोल रहा है कि आपने नया फाइल ऐड किया है, राइट। क्यों वो नहीं बोल रहा है, क्योंकि जो हमारा लास्ट स्टेटस था, कौन सा, कमिट का, ये फाइल, एक फाइल चेंज किया वगैरह वगैरह, ये इस स्टेटस पे लाके हमने यहाँ पे फिर से उसे खड़ा किया है पूरे फाइल सिस्टम को या फाइल्स को, इसीलिए वो यहाँ पे बोल रहा है वर्किंग ट्री क्लीन, ना कि वो बोल रहा है आपने ये फाइल ऐड किया है। ये समझ में आया आपको कि ये यहाँ पे वर्किंग ट्री क्लीन क्यों आया है। ठीक है, तो उसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या करना था, हमें करनी थी फाइल डिलीट, तो मैं यहाँ पे फाइल डिलीट के लिए एक git का कमांड है, git rm, मतलब git remove, और आपको टाइप करना है फाइल का नाम न्यू डॉट टी एक्स टी और एंटर, तो वो बोलेगा rm new डॉट टी एक्स टी। और उसी के साथ साथ अगर हम चलाएंगे git status, तब वो क्या करेगा, ग्रीन में दिखाएगा, वो रेड में नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने git का इस्तेमाल करके फाइल डिलीट की है, तो git को पता है कि फाइल डिलीट हुई है, इसलिए उसने ग्रीन में ही दिया है, मतलब वो स्टेजिंग एरिया में है अभी, कि इस फाइल को आपने डिलीटेड, मतलब डिलीट कर दिया है। तो खाली हमें अब क्या काम बचा है हमारा, हमें करना है git commit dash m और status delete using git, और हमने उसे कमिट कर दिया। ठीक है, तो ये तो दो तरीके थे, एक था आपके फाइल को रीनेम करने के लिए, दूसरा था आपके फाइल को डिलीट करने के लिए बाय यूजिंग git bash या git कमांड का इस्तेमाल करके हमने यहाँ पे एक फाइल डिलीट कर दी और दूसरी फाइल रीनेम कर दी। ओके, अब आगे देखिए, अब आगे हम क्या देखेंगे, सपोज ये हमारी readme फाइल है। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे पास एक git ignore वाली भी फाइल है, जब हम git ignore में कोई भी फाइल को डालते हैं तब क्या होता है, तब वो फाइल git ignore कर देता है, मतलब उस फाइल में आपने कुछ भी चेंजेस किए तो वो चेंजेस वो यहाँ पे आपको git bash में या आपके स्टेजिंग एरिया में या फिर untracked या फिर unsaved चेंजेस में दिखाई नहीं देंगे। ओके, तो अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, हमारी जो फाइल है, कौन सी फाइल है, ये readme हमारी फाइल है। ठीक है, तो ये फाइल हम पहले से ट्रैक करते आ रहे हैं, जहाँ पे हमने देखा यहाँ पे ऊपर हमने उसको क्या किया था, हमने उसका रीनेम भी कर दिया, यहाँ पे दो बार हमने रीनेम कर दिया, तो वो फाइल हम पहले से ट्रैक करते आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे, अब मैं क्या करता हूँ, जो हमारा git ignore की फाइल है मेरी, उसमें मैं ऐड करता हूँ read_me.docs, मतलब ये जो readme.docs है उस फाइल को इग्नोर करो, तो मैं इसे करूँगा कंट्रोल सेव क्लोज
और अब हम आएंगे फिर git bash में, नया कमांड चलाएंगे। नया कमांड मतलब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर चेक करेंगे git status। तो ऑब्वियसली वो हमें क्या बोलेगा कि आपने मॉडिफाई किया है git ignore को, जो कि हमने किया है। हमने क्या किया है इस git ignore में, अभी ये readme.docs को ऐड किया है। ओके, तो उसने बोला कि आपने इसको मॉडिफाई किया है, तो ठीक है हमने मॉडिफाई किया है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे फिर git add all कर दो, मतलब वो staging area में चला जाएगा। और फिर क्या करेंगे, हम करेंगे commit dash m और करेंगे हमने यहाँ पे git ignore को मॉडिफाई किया है। ठीक है, तो हमने ये कमिट कर दिया। फिर मैं चलाऊंगा git status, अब आ गया फिर से हमारा वर्किंग ट्री क्लीन, फिर से वर्किंग ट्री मेरा क्लीन हो गया। ओके, अब देखो अब क्या हो रहा था, ये जो रीडमी फाइल है ये फाइल हम पहले से ट्रैक करते आ रहे हैं, उसके बाद मैंने उस फाइल को या उस फाइल नेम को यहाँ पे git ignore में डाल दिया है। मतलब मैंने बोल दिया है उस git को कि इस फाइल को आप इग्नोर कर दो। लेकिन अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं फाइल खोलूंगा और इस फाइल में हम चेंज कर दे, ठीक है। हमने यहाँ पे पहले लिखा था प्लीज रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, उसके आगे मैं लिखता हूँ दे आर वेरी इम्पोर्टेंट, ऐसे मैंने लिख दिया। मतलब इस फाइल में मैंने जो रीडमी फाइल थी उस रीडमी फाइल में मैंने चेंज किया है, ठीक है। अब देखो अब क्या कर रहे हैं, हम इस रीडमी फाइल को तो इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पे रीडमी डॉट डॉक्स में, राइट। तो अब मैं चलाऊंगा git status, तब देखो तब मुझे आ गया यहाँ पे मॉडिफाइड readme.docs। क्यों आया ऐसा, मतलब हमने इस git ignore में इस फाइल को ऐड किया है, फिर भी उस फाइल को मॉडिफाई करने पर वो हमें बहुत बोल रहा है कि changes not staged for commit, मतलब आपने इस फाइल को चेंज किया है, मॉडिफाई किया है, कौन सी फाइल को, readme.docs। तो क्यों आ रहा है, क्योंकि हम इस फाइल को पहले से ही ट्रैक कर रहे हैं। मतलब जब आप कोई भी फाइल git ignore में डालते हो तब आपको ये पता होना चाहिए कि वो फाइल ट्रैक्ड नहीं है। अगर वो फाइल पहले से ट्रैक हो रही है और आप उसे git ignore में डालते हो तो आपको वो उसका नोटिफिकेशन देगा कि ये फाइल मॉडिफाई हुआ है। तो उस फाइल को हमें क्या करना पड़ेगा, उस फाइल को हमें अनट्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइल को अनट्रैक करने के लिए क्या कमांड है या क्या मेथड है, तो हम उस फाइल को अब अनट्रैक करेंगे। फाइल को अनट्रैक करने के लिए हमारे पास है कमांड git rm, मतलब रिमूव करो। लेकिन कहाँ से रिमूव, अगर मैं सिर्फ git rm और फाइल नेम चलाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, वो फाइल यहाँ से डिलीट हो जाएगा, मतलब हमारे फोल्डर से ही वो फाइल डायरेक्टरी से डिलीट हो जाएगा। हमें वो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इस फाइल को अनट्रैक करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या कमांड है, git rm डबल डैश cached, मतलब जो आपकी कैश मेमोरी है या फिर कैश फाइल्स है उसमें से आप डिलीट करो। क्या डिलीट करो, तो read underscore me dot docs, एंटर। अब मैं चलाता हूँ फिर से git status, तब देखो तब मुझे अब ये क्या बोल रहा है, अब ये फाइल डिलीट की है। वो बोल रहा है कि आपने फाइल डिलीट की है, लेकिन एक्चुअल में फाइल यहाँ पे है, राइट। इस अगर आपकी फाइल है और आपका git bash या git कमांड लाइन बोल रहा है कि आपने फाइल डिलीट की है, इसका मतलब वो फाइल अब अनट्रैक में गई है, इसका वो इस पर फाइल पर अब ध्यान नहीं देगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को पहले हम कमिट कर लेते हैं। सो git commit dash m, यहाँ पे हम लिखेंगे अनट्रैकिंग फाइल, और फिर से हम चेक करेंगे अब git status। तो कमिट करने के बाद आ गया वर्किंग ट्री इज क्लीन, ठीक है। अब क्या, अब देखो अब फिर से हम इस फाइल को ओपन करेंगे और उस फाइल में ऐड करेंगे, से लिखते हैं क्या लिखेंगे, प्लीज रीड मी, राइट। एक लाइन मैंने फिर से ऐड कर दी, कंट्रोल एस से सेव कर दिया और फाइल को क्लोज कर दिया। अब अगर मैं चलाता हूँ git status,
तब देखो, तब वो इस बार उसने मुझे क्या दिया, वर्किंग ट्री क्लीन, क्योंकि हमने क्या किया है, इस फाइल को जो हम पहले ट्रैक कर रहे थे उसको यहाँ से रिमूव कर दिया है, इस कमांड से, rm --cached वाले कमांड से हमने ट्रैकिंग से रिमूव कर दिया है, और उसी के साथ साथ हमने उस फाइल को git ignore में भी ऐड कर दिया है। मतलब अब इस फाइल में आप कितने भी चेंजेस कर लो तो वो फाइल यहाँ पे शो नहीं होगी। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया है कि फाइल को रिनेम कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, और जो फाइल आप ट्रैक कर रहे हैं उस फाइल को अनट्रैक कैसे करना है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को फिर से दोबारा रिपीट करके देख लीजिए, और अगर फिर कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।